मॉल रोड पर सरकारी इमारत के छठे फ्लोर पर आग लग गई। आग रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज पंजाब की इमारत में लगी। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार आज अहम मुकदमात की समाअत करेंगे। पानी की किल्लत, आलूदगी और दीगर मुकदमात पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाज उल अहसन पर मुश्तमिल बेंच अहम मुकदमात पर समाअत करेगा। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। पंजाब के सियासी कले में नून लीग की मजबूत दीवार टूट गई। नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें दुरुस्त साबित। स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब में 12 मतवाले कप्तान की टीम के हामी निकले। चौधरी परवेज इलाही अपने टारगेट से भी जायद वोट ले उड़े। तहरीक इंसाफ और काफ लीग के वोटों की तादाद 186 थी, जबकि नून लीग को 162 में से 147 वोट मिले। उम्मीदवारों ने जो वोट हासिल किए, चौधरी परवेज इलाही, रुकन सुबह असम्बली, पीपी 30 ने 201 वोट लगाए। पंजाब में नून लीग पहले इम्तिहान में नाकाम। कप्तान के लिए मैदान साफ। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर की सीटें अपने नाम कर लीं। चौधरी परवेज इलाही 201 वोट लेकर पंजाब असेंबली के स्पीकर मुंतखब। नून लीग के इकबाल गुज्जर सिर्फ 147 वोट लेकर शिकस्त से दोचार। पीटीआई के दोस्त मजारी 187 वोट लेकर डेप्टी स्पीकर बन गए। नून लीग के वारिस कल्लू 159 वोट ले सके। हमारे लोग किधर गए, ढूंढो, लीगी कयादत को टेंशन पड़ गई। हमजा शहबाज का इंक्वायरी का हुक्म। ख्वाजा साद रफीक को बागी अरकान को ढूंढने का मिशन सौंप दिया। इलेक्शन में मुबैना धांधली पर नून लीग का वाइट पेपर शाया करने का ऐलान। हमजा शहबाज कहते हैं, स्पीकर के इलेक्शन में हमारे वोटों पर डाका डाला गया। नून लीग के कारकुनान को जहाज पर बनीगाला की यात्रा करवाई गई। अगर हॉर्स ट्रेडिंग ना रुकी तो असेंबली को नहीं चलने देंगे, अपना मुकदमा जमहूरी अंदाज में ही लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के दो जियाले बागी निकले। पंजाब असेंबली में पीपी के साथ में से दो अरकान ने कयादत से बगावत की। पीपीपी पार्लियामेंटेरियंस के जनरल सेक्रेटरी फरहतुल्ला बाबर ने शोकॉज नोटिस जारी किया। जराए कयादत के फैसले के खिलाफ जाने वाले एमपीएस नबील, रईस और गजनफर से जवाब तलब। स्पीकर के बाद डिप्टी स्पीकर भी हमारा, नून लीग से पंजाब छिन गया। हुकूमत के बाहर रहने वाले अपोजिशन नहीं कर सकते। नून लीग का वोट बैंक सबने देख लिया। वजीर आला पंजाब के नाम का ऐलान इमरान खान खुद करेंगे। रहनुमा पीटीआई अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही की हल्फ बरदारी और खिताब के दौरान शदीद हंगामा आरई। पंजाब असेंबली का ऐवान मछली मंडी बना रहा। लीगी अराकीन नवाज शरीफ की तस्वीर उठाकर गो स्पीकर गो के नारे लगाते रहे। ऐवान के बाहर परवेज इलाही के हक में नारे, मिठाइयां तकसीम। जमहूरी तरीके से स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ। हमने नून लीग की ख्वाहिशात पर पानी फेर दिया। नून लीग वाले अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। अवाम के मफाद के लिए अच्छे फैसले करेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। नए पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग की सदाएं। पीटीआई ने हमारे छाबे में हाथ मारा। विफाक की तरह पंजाब में भी हॉर्स ट्रेडिंग की गई। जहाज और एटीएम मशीनों के जरिए अरकान को खरीदा गया। तहरीक इंसाफ ने नए पाकिस्तान की टेढ़ी बुनियाद रखी है। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया से गुफ्तगू। हजारों को तबाह बर्बाद कर दिया गया। शहबाज शरीफ घंटा घर बने रहे, उनके साहबजादे उन्हें आज ये पंजाब असेंबली में ले आए हैं अपोजिशन लीडर के तौर पे। ख्वाजा साद रफीक एक सीनियर सियासी कारकुन था और लीडर ऑफ द अपोजिशन उनका हक था।
पीटीआई पंजाब में अपोजिशन का मुकाबला आवामी खिदमत से करेगी। हम मेंबरान पंजाब असेंबली को फंड्स नहीं देंगे, लोकल गवर्नमेंट के जरिए तरक्याती काम करवाएंगे। नून लीग ने पंजाब असेंबली में अपोजिशन बेंचों का इंतखाब करके शिकस्त तस्लीम कर ली। मियां महमूद रशीद का ख्वाजा साद रफीक के बयान पर रद्द अमल। आमदन से जायद असासाजात का मामला, साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन की नैब में पेशी, नैब हुकाम की डेढ़ घंटे तक पूछगिछ। चौधरी परवेज इलाही इजलास में शिरकत के बायस नैब में पेश न हुए। गिरफ्तार आहद खान चीमा जेल में बीमार पड़ गए, जेल डॉक्टर की आहद चीमा को फौरी अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश, एहतसाब अदालत में भी दरखास्त जमा करा दी गई। जश्न आजादी पर हवाई फायरिंग की जद में आने वाली लड़की दम तोड़ गई, मुल्तान रोड की रिहायशी फातिमा गुलजार 3 रोज बाद भी जनरल अस्पताल में जानबर न हो सकी, अस्पताल इंतजामिया पोस्टमार्टम नहीं कर रही, वरासा का इल्जाम। इंसानियत सोज वाकया, गुजरपुरा में डकैती के दौरान 32 साल खातून से ज्यादती, 3 डाकू नकदी और मोटरसाइकिल लेकर फरार, ताहाल मुकदमा दर्ज ना हो सका, डीआईजी ऑपरेशंस का वाकये का नोटिस, मुतासरा खानदान को इंसाफ मिलेगा, शहजाद अकबर की यकीन दहानी। डॉल्फिन स्क्वाड पीरू समेत दीगर पुलिस फोर्सेज नाकाम, डाकू बेलगाम, डकैती की वारदातों में खौफनाक हद तक इजाफा, निश्तर कॉलोनी में डाकू शहरी से 60 लाख रुपए लूट कर फरार, एक हफ्ते बाद भी मुलजिम गिरफ्तार न हो सके, गवाल मंडी में डाकू मुअम्मर खातून से रकम छीन कर रफू चक्कर, वारदातों की सीसीटीवी फुटेजेस लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली, गुलशन रावी में एटीएम मशीन पर शहरी से पैसे लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार। शफीकाबाद में नामालूम अफराद की फायरिंग से मकामी अदालत का मुलाजिम कत्ल, लवाहिकीन का रावी रोड पर एहतजाज, ट्रैफिक का निजाम मुतासिर रहा, गाड़ियों की लाइनें लगी रहीं, पुलिस हुकाम की मुलजिम गिरफ्तार करने की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर। और 5 मनपसंद कंपनियों पर एलडीए की नवाजिशात, 5 साल दौरे हुकूमत में 5 कंपनियों को तरक्याती फंड्स का 90% हिस्सा दिया गया, 5 कंपनियों को 79,75,27,13,000 रुपए के ठेके दिए गए। अजीज भट्टी जोन में सफाई के नाकश इंतजामात पर अलबेराक और इंतजामिया के दरमियान मामलात बिगड़ गए, एक दूसरे के खिलाफ फट पड़े, इजलास में बदमजगी, डिप्टी मेयर ने मुदाखलत करके मामला सुलझाया, मसाइल के हल के लिए माहाना इजलास बुलाने पर इत्तफाक। आजादी की